Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavya and you are watching me on Pick Up Dreams. आज की वीडियो होने वाली है नायका हॉल, जिसमें होगा हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप और एक और बात, कोई ऑर्डर नहीं होगा कि पहले स्किन केयर दिखा रही हूँ, मुझे जो मिलता जाएगा मैं आपको वो दिखाती जाऊंगी, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, पर अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके कर दो, उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और मुझे पता है आप इंस्टाग्राम पे हो तो वहां पे भी मुझे फॉलो करना नहीं भूलना, मैं आपको हैंडल प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे चैनल पे पहला नायका हॉल होने वाला है जिसमें मेकअप भी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई नो आप भी हो। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है मेरे पास जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे एक बार ट्राई करूं। सो दिस इज द वन एंड ओनली Maybelline's Fit Me Matte Plus Poreless Foundation एंड जिसमें मेरा शेड है 115। क्योंकि मैट है तो आई डोंट थिंक ड्राई स्किन टाइप पीपल भी इसे यूज कर सकते हैं, बट जिनकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, जैसे कि इस पे लिख रहा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप, वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, बाकी की बातें इसे यूज करने के बाद ही पता चलेंगी। मैं डेफिनेटली इसे ट्राई करूंगी अपनी आगे आने वाली वीडियोज में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड मुझे इसके साथ एक फिट मी पफ ब्यूटी ब्लेंडर भी फ्री मिला था, सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट जब ये मुझे रिसीव हुआ मैंने इसे तुरंत ही ट्राई कर लिया, क्योंकि मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर गंदे पड़े हुए, मैंने इसे यूज किया, मैंने इसे डैम्प भी किया तो ये बिल्कुल भी स्वेलअप नहीं हुआ, प्लस इसे सारा फाउंडेशन मेरा सोक कर लिया तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लगा था कि Maybelline का ब्यूटी ब्लेंडर है, पर ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं, बल्कि ये नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर से भी ज़्यादा इसने प्रोडक्ट्स हो किया, सो आई डोंट रियली लाइक इट। बाकी फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा पैकेजिंग वाइज भी, पहले इसमें पंप नहीं आता था बट नाउ दे हैव गिवन अस द पंप। नेक्स्ट है मेरे पास स्किन केयर प्रोडक्ट, दिस इज प्लम ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एंड दिस इज ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री। ये आपको इस तरीके के बॉक्स में रिसीव होगा, दिस इज एक्चुअली फ्रेग्रेंस फ्री, मैं इसे यूज भी कर चुकी हूँ और क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो इतनी जल्दी अब्सॉर्ब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला मैंने कुछ लगाया है। मतलब हाइड्रेशन भी दिया है इसने मुझे, पर बिल्कुल मतलब ग्रीजी वाला इफेक्ट नहीं आया मुझे, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है और आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो जो कि नॉन ग्रीजी ऑयल फ्री हो, तो दिस इज द मॉइस्चराइजर टू गो फॉर। मुझे भी ये बहुत पसंद आया, प्लस प्लम एक वीगन ब्रांड भी है, सो वो भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट उसके बाद है एक और प्रोडक्ट जिसे कि सब पसंद करते हैं, सो दिस इज Garnier's माइसेलर क्लेंजिंग वाटर। I don't think so, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है बिकॉज आई नो everyone use this, मैं भी इसे ट्राई करने वाली हूँ। इसमें कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है और एल्कोहल भी नहीं है, कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना जिसमें बहुत अजीब सी स्मेल आती है जिसे फिर लगाने का भी मन नहीं करता और सर दर्द हो जाता है, तो ये वैसा नहीं है। डेफिनेटली मैं भी इसे आने वाली वीडियोज में ट्राई करूंगी। नेक्स्ट आई हैव गॉट दिस पोर्स एंड मार्क्स फ्रॉम नेचर श्योर, ये आपको इस तरीके के बॉक्स में मिलेगा और दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग। हमारे जो एनलार्ज्ड स्किन पोर्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो उनको रिकवर करने में ये बहुत हेल्प करता है। इसे यूज करना भी बहुत इजी है, जिस एरिया पे आपको इसे अप्लाई करना है मेक श्योर वो एकदम क्लीन हो, उसे अच्छे से वॉश कर लेना, देन फ्यू ड्रॉप्स इसकी डालो और मसाज करनी है आपको ट्वाइस अ डे। ऐसा मत सोचना आप इसे एक बार लगाओगे सुबह उठोगे एंड यू आर स्पॉट्स फ्री, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें है मोरिंगा ओलिफेरा नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। मोरिंगा ओलिफेरा को हम ना हिंदी में ड्रमस्टिक ट्री भी बोलते हैं, जिसे पहले यूज किया जाता था फॉर द सेम रीजन, आप इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कह सकते हो। और क्योंकि नेचुरल चीजें, तो आप लोग भी जानते हो नेचुरल चीजें टाइम लेती हैं वर्क करने में, बट डीपली ठीक करती हैं हर चीज को, सो यू गाइज कैन गिव इट अ ट्राई, बट पेशेंस इज द की। और सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव गॉट Lakmé रोज पाउडर विद सनस्क्रीन। ना सोचो अगर आपने मेकअप किया हुआ है और उसके बाद आपको याद आया आप सनस्क्रीन लगाना भूल गए, तो आप क्या करोगे, आप मेकअप हटाओगे फिर सनस्क्रीन लगाओ, तो आपको उसके लिए चाहिए कोई ऐसा पाउडर जिसमें सनस्क्रीन भी हो, सो दिस इज द लूज पाउडर। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और आई थॉट इसका डब्बा बहुत छोटा आने वाला है कि इतने कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी कौन देता है, इतना सारा पीस, ओ माय गॉड आई स्पेल्ड इट। जब मुझे ये रिसीव हुआ इतनी सारी क्वांटिटी देख के आई वॉज लाइक सी इतना सारा पाउडर यू आर गेटिंग। और इसमें आपको एक पफ भी मिलता है जिससे आप सेट कर सकते हो, इसे मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे पहले आ गया था। कॉम्पैक्ट आपको अफोर्डेबल मिल जाते हैं पर लूज पाउडर्स जनरली नहीं होते हैं। एक स्विस ब्यूटी का भी आता है लेकिन वो ट्रांसलूसेंट है और मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए था। नाउ दिस इज लूज पाउडर, ये थोड़ा सा पिंक अंडर टोन में है, तो अगर आपको भी चाहिए दैट पिंक ब्लशी इफेक्ट तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, टीनेजर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा चलने वाला है। नेक्स्ट आई हैव अ क्लेंजर, सो दिस इज Cetaphil's जेंटल स्किन क्लेंजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और क्योंकि ये कॉम्बो में था Cetaphil मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ तो मैंने ये ले लिया, मुझे लगा ये बहुत अच्छी डील होगी और काफी अच्छी क्वांटिटी मिलती है आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम की भी, बट ये थोड़ी सी थिक है
और मेरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली हो जाती है समर्स में, सो ये मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। मुझे प्लम वाली ज़्यादा अच्छी लगी, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो ऑफकोर्स। एंड वन मोर थिंग, उसमें लिखा हुआ था आपको एक ऑयली स्किन के लिए एक और क्लेंजर मिलेगा। मैंने इसे फटाफट ऑर्डर कर लिया कि मुझे दो क्लेंजर मिलेंगे और एक मॉइस्चराइजर मिलेगा, पर मुझे मिला क्या, लेट मी शो यू। तो इनके साथ मुझे ये आया, ये एक बारी में ही खत्म हो जाएगा, और एक बार में तो समझ में भी नहीं आता कि इसने कैसा क्लीन किया। मैं तो दो तीन बार ट्राई करती हूँ तब जाके पता चलता है हाँ ये ऐसा है या ये ऐसा है। नेक्स्ट है मेरे पास हेयर केयर का ट्रेसेमे डीप स्मूदिंग मास्क। सो दिस इज द टर्म राइट हियर। ना आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा नेचुरल मास्क ही लगाती हूँ हेयर मास्क, पर मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई करूँ। आई ट्राई एंड आई शो इट टू यू कि कैसे रिजल्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट आई गॉट अनदर फाउंडेशन, अनदर वेरी हाइड फाउंडेशन, लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, एंड इसके साथ में एक स्पैचुला भी है। इसमें पंप नहीं है, यू गेट दिस काइंड ऑफ स्पैचुला। नेक्स्ट आई हैव गॉट मेकअप फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी। इसमें है एलोवेरा और विटामिन ई, और आप लोग जानते हो हाउ मच आई लव एलोवेरा फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी। इसके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। अब मेकअप किया हुआ है, सो लेट्स सी। ओ नो, इसकी स्मेल तो, ओ माय गॉड, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं कितने टाइम तक मेरे मेकअप को सेट करने वाला है। नेक्स्ट आई हैव गार्नियर स्किन नेचुरल्स बीबी क्रीम ब्यूटी बेनिफिट क्रीम डेली ऑल इन वन मॉइस्चराइजर। तो इसमें है SPF 24, विटामिन सी, आमंड एक्सट्रैक्ट्स, मिनरल्स फॉर ब्राइटनिंग, बहुत सारी चीजें इसमें, और इसकी स्मेल भी काफी डिसेंट है। लेकिन इसमें शेड्स अवेलेबल नहीं है, आई थिंक वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यही शेड तो पूछे ही नहीं थे, ये है लेना है तो लो वरना जाओ। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मैं इसे भी आगे आने वाली वीडियोस में जरूर यूज करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसा वर्क करती है। फाइनली हम लिप केयर पे आ चुके हैं, तो आई हैव गॉट अ लिप बाम। तो आई गॉट लैक्मे लिप लव चेरी लिप केयर 22 आवर्स मॉइस्चर SPF 50, और ये है इसका चेरी वेरिएंट। मतलब ये आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा रेड टिंट होना चाहिए इसमें, तो देखते हैं इसमें टिंट है या नहीं। ओ, इसमें हल्का सा टिंट तो है। आई थिंक आपको इसमें और वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे, तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक टाइम। आई हैव गॉट 3 लिपस्टिक्स, सो दिस इज द शेड आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो दिस इज नायका की लिपस्टिक इन द शेड गॉसिप डोज। This is how the packaging looks like. बहुत अच्छी लिपस्टिक्स है ये नायका की, तो मुझे ये वाली लिपस्टिक बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा एक न्यूड वाला वेरियंट भी मंगवा के देखती हूँ। सेकेंड लिपस्टिक है मेरे पास, मतलब सेम नायका की ही है, इन द शेड वेक अप मेकअप। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। दिस इज द स्वॉच। तो मैंने 3 लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी, तो तीसरी वाली नायका की ही है, पर इस टाइप की नहीं है। आई विल शो यू वो कैसी है। सो दिस इज नायकास गेट सेट मैट डेमी मैट लिप क्रीम। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इसकी पैकेजिंग। बट जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे इतनी खास, इसका बहुत ज़्यादा ही ब्राइट शेड है, आई डोंट नो, लेट मी जस्ट गिव यू अ स्वॉच। कैमरे पे फिर भी अच्छी लग रही है, बट लिप्स पे मुझे उतनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है। बट ये वाली लिपस्टिक ना बिल्कुल स्टे नहीं करती है, मूव करती रहती है। सो अब देखो, थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ वगैरह टच हो गया तो ये बिल्कुल ही चली जाएगी, कहीं भी नहीं है। अगर आप ऊपर वाले को करोगे तो वो इतने ईजिली नहीं जाएगी, पर ये वाली इतनी ईजिली चली गई। सो यार, दीज वर द 3 लिपस्टिक्स जिसमें से मुझे सबसे अच्छी लगी ये वाली जो मैंने अप्लाई की है, दिस वन। उसके बाद मुझे लगी न्यूड वाली, और सबसे तीसरे नंबर मुझे लगी। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करो यार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको प्रोडक्ट्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड आई नो आप इंस्टाग्राम पे भी हो, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।